तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं इफ कंडीशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अब इस क्वेश्चंस जो है, कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बनाना है। और जो क्वेश्चंस है मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब है कि आपको इफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इफ से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे कमीशन क्रिएट करना है अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो, और हमें 40 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो चलो बोलोगे सर सिंपल है, जो ये इस वीडियो को यूट्यूब पे देखेंगे वो भी बोलेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, सिंपल तो है। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि इसी चीज को आप विदाउट इफ करना है, इसमें आपको इफ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट इफ, समझे? ओके, मतलब कि आप इसमें लॉजिकल ऑपरेटर तो लगा सकते हैं लेकिन इफ फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर यहां पे रिजल्ट जो है हमारा मार्क निकालना है पास और फेल में, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 हुआ तो ये भी आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 200 हुआ तो स्टडी अदरवाइज लोकल, ये भी आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर में टैक्स निकालना है, अगर एमआरपी इज ग्रेटर देन 500 तो हमें 12% का टैक्स चाहिए, अदरवाइज 5% आपको 5% का कोर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है कि यहाँ पे टाइम अगर ए हुआ 10 बजे रात से ज्यादा हुआ तो ओटी अदरवाइज एनटी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आता है Q6 में, जो कि आपने किया ही है, हमें यहाँ पे रिजल्ट देना है हर सब्जेक्ट में अगर 33 से ज्यादा हुआ तो, और इसको एंड के साथ करना और विदाउट एंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ये हम आपको बताते हैं, चलिए, ताकि क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मुझे इस पे ग्रेड शो करना है, तो यहां हमने कंडीशन लगाया इफ का कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहां पे सी ग्रेड दे। अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 60 है तो यहां पे बी ग्रेड करे, और अगेन हमने इफ दिया और बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 90 है तो यहां पे ए ग्रेड दे, और अगेन इफ अगर ए ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे ए प्लस दे। दिख रहा है कंडीशन सर? जी जी जी। तो कंडीशन कह रहा है कि अगर लेस देन 40 है तो सी, लेस देन 60 है तो बी। तो आपने देखा कि यहाँ पे हर नंबर्स के लिए कुछ ना कुछ है। अब बहुत सारे बच्चे इस पे गलती करते हैं कि यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एंड का फॉर्मूला लगा देते हैं, उनकी गलती नहीं होती, उनकी समझ की गलती होती है, क्योंकि हमने उनको बताया हुआ था कि आप जो है लेस देन बिटवीन्स के बीच में एंड लगाते हैं, लेकिन यहां पे क्या है कि स्लैब है और कंटिन्यूअस है, तो यहां पे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अगर 40 से नीचे होगा तो सी दे देगा, इसके आगे वो चेक ही नहीं करेगा, 60 से नीचे हुआ तो बी दे देगा, इसका कोई चेक ही नहीं करेगा। तो दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ हमारा फुलफिल नहीं होगा, तो यहां एंड की जरूरत नहीं है, और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, और सिंपल यस कर दे ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ओके सर? ओके सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 8 आप बना सकते हैं, इसमें इंसेंटिव निकालना है इस स्लैब के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहां में हमने ग्रेड निकाला है, समझ, एबीसीडी की जगह पे नंबर्स आ जाएंगे, ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहां पे क्या है कि ये बता भी चुका हूं, हमें यहां
पैन और वोटर के बीच में, पैन चुनने से दो आईडी चाहिए, पैन तो चाहिए चाहिए, वोटर पासपोर्ट डीएमएल से कोई एक चाहिए, ऐसा हो तो स्टेटस ओके अदरवाइज पेंडिंग। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा आता है और का, और फॉर्मूला का जो आप अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक पढ़ा होगा तो शायद जानते होंगे कि एक्स और इक्वल होता है ट्रू एंड फॉल्स, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, दोनों ट्रू नहीं होने चाहिए, दोनों फॉल्स नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपको अगर चूज करना है अपना ट्रांसफर दिल्ली या मुंबई से, दिल्ली और मुंबई से, लेकिन आप दिल्ली में काम कर सकते हैं या मुंबई में काम कर सकते हैं, आप ऐसा तो नहीं है दोनों में, दोनों सिटी में काम करें, तो ऑप्शंस होगा कि अगर आपने दिल्ली चूज कर लिया तो आपको मुंबई चूज नहीं करना है, अगर आपने मुंबई चूज किया तो आपको दिल्ली चूज नहीं करना है। तो यही चीज यहाँ है कि अगर उसने क्लासेस चूज किया है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, लेकिन जैसे ही उसने ऑनलाइन और क्लासेस दोनों चूज कर लिया तो ये फॉल्स दे दिया, दोनों वाई कर दिया, मतलब कि आप दोनों ब्लैंक कर देंगे या दोनों एन कर देंगे तो आपको फॉल्स आएगा, या दोनों वाई होगा तो फॉल्स आएगा, कोई एक वाई और कोई एक ब्लैंक होना चाहिए। एक्स और समझ में आया आप लोगों को? जी सर। अब इसका अब एक्स और फॉर्मूला लोअर वर्जन से 2007 से नीचे वाले वर्जन में होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला बनाना है इफ के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने में कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो आपने किया था उसी तर्ज पे भी है, आपको इंसेंटिव देना है इस स्लैब के अकॉर्डिंग, बट प्रॉब्लम है कि वहां हम इकट्ठा 500 दे देते हैं, इकट्ठा 1000 दे देते हैं, इकट्ठा 2000 दे देते हैं, सो यहां पे ऐसा नहीं है। यहाँ क्या करना है, आपको यूनिट के हिसाब से देना है कि अगर इसने 0 to 40 सेल किया तो 20 rupees पर यूनिट देना है, मतलब किसी ने 35 सेल किया तो 35 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी ने 45 सेल किया मतलब ये 40 इसने 20 rupees के हिसाब से सेल किया और 5 जो है 60 वाला स्लैब का सेल किया है, तो हम यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे, समझे सर ये क्वेश्चन? जी सर, जी सर। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ सॉल्व, 11 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इसके पीछे एक स्टोरी है, अब ये स्टोरी समझाने में पता चलेगा आपको ये। तो फिलहाल आप 10th नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे भेजिए, उसके बाद हम अगली टॉपिक टेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव करेंगे, ठीक है? सर ये आप जो इफ का बोले विदाउट इफ यूज किए बगैर, हाँ जी बोलिए सुन रहा हूँ, तो वो कैसा, एक बार जस्ट आइडिया देके कैसा करना चाहिए, जस्ट एक रफली आइडिया। एक्सेल में, सॉरी एक्सेल में क्या होता है, आदेश एक बार, आपकी ईमेल आईडी क्या है? असिद यम ए यम में ए एम यम 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 में एम में रशी एम रशी सॉरी या एक्सेल के अंदर क्या है कि ट्रू क्या होता है, वन होता है, और फॉल्स क्या होता है, जीरो होता है, जीरो। तो जब उसको हमने बोला कि आप लेस देन ग्रेटर देन लगा सकते हैं तो लगाइए, रिजल्ट ट्रू फॉल्स आएगा तो जीरो वन आएगा, और उसके आगे सोचिए कि जीरो वन का कैसे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करिए जिससे आसानी हो, ठीक है? ठीक है चलिए।